वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। इस मूवी के स्टार्ट में हम बारबरा नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं, जो जंगल में जाकर एक रेड कलर का जूस बना रही होती है। जूस बनाने के बाद वो उसे जंगल में अलग अलग जगहों पर डाल देती है और फिर वो थोड़ी ही दूर एक जगह पर जाकर छुप जाती है। इसका मतलब ये था कि वो किसी को ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी। इसके फौरन बाद हम एक डरावने से हाथ को देखते हैं, जो कि उस जूस को हाथ लगाता है, और ये सब कुछ दूर खड़ी बारबरा भी देख रही थी। इसके बाद हमें बारबरा की सिस्टर दिखाई जाती है, जो कि अपने सिबलिंग्स के लिए खाना बना रही थी। इसी दौरान बारबरा का भाई अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम खेल रहा था, जिससे वो काफी शोर कर रहे थे, जिसकी वजह से बारबरा को गुस्सा आता है और वो टीवी बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हें बिजली बचानी चाहिए, टाइम वेस्ट मत करो अपना। इस बात की वजह से बारबरा के भाई को काफी गुस्सा आता है। फिर जब बारबरा की सिस्टर उनसे खाना खाने के लिए कहती है, तो उसका भाई उसे कहता है कि मुझे खाने में मीट चाहिए था। ये कहकर वो गुस्सा होते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बारबरा की सिस्टर अकेले ही अपने सिबलिंग्स का ख्याल रख रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि बारबरा जब ऊपर वाले रूम में जाने की कोशिश करती है, तो उसे वहाँ पर अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर बारबरा अपने पर्स की पॉकेट में एक छोटा सा हैमर रखती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम बारबरा को एक टूटी हुई ट्रेन के पास देखते हैं, जिस ट्रेन पर बारबरा एक साइन बनाती है। इसके बाद वो एक बीच पर चली जाती है, जहाँ पर सोफिया नाम की एक लड़की आकर बारबरा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बारबरा उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी और वो उस लड़की से काफी रूडली बात कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे जब बारबरा स्कूल जा रही होती है, तो उसे सोफिया एक बार फिर से मिलती है और वो बारबरा को उसके साथ बस में बैठने के लिए कहती है, लेकिन बारबरा उसे साफ इनकार कर देती है। इसके बाद जब बारबरा स्कूल पहुंचती है, तो वो अपने बनाए हुए साइंस को काउंट करने लगती है और उसे ऐसा करता उसकी क्लास टीचर देख लेती है, इसीलिए वो बारबरा का पीछा करती है, क्योंकि बारबरा तो काफी अजीब ही बिहेव कर रही थी। इसके बाद बारबरा जब लंच कर रही होती है, तो उसके पास एक लड़की आकर उसे बुली करती है और उसे परेशान करने की कोशिश भी करती है। तब इस बात से परेशान होकर बारबरा उसके हाथ पर स्पिट करती है, जिसकी वजह से उस लड़की को काफी गुस्सा आता है और वो बारबरा को मारने लगती है। लेकिन तभी बारबरा की टीचर उसे अपने पास बुला लेती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है। फिर बारबरा जब अपनी टीचर के पास जाती है, तो उसकी टीचर तो उसे काफी अच्छे से बिहेव करती है और वो बारबरा से बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन बारबरा तो उससे भी काफी रूडली बात करती है और वहाँ से चली जाती है। अब बारबरा की ये बात उसकी टीचर को भी काफी बुरी लगती है। इसके बाद बारबरा जब पानी पी रही होती है, तो वही बुली करने वाली लड़की फिर से वहाँ पर आ जाती है और वो फिर से बारबरा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बारबरा तो उससे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो लड़की बारबरा को मारती, वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो उस बुली करने वाली लड़की को देखकर उसे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देते हैं। इसके बाद हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बारबरा के साथ सोफिया भी थी और इस बार बारबरा उसे गुस्से से बात नहीं करती, बल्कि अब उन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी। और यहाँ पर सोफिया बारबरा की बहादुरी से काफी इम्प्रेस होती है, क्योंकि उसने उस बुली करने वाली लड़की का काफी बहादुरी से सामना जो किया था। इसके बाद बारबरा सोफिया को जायंट्स की कहानी सुनाती है, जिसमें सबसे पहले वो उस जायंट के बारे में बताती है जो सबसे पहले पैदा हुआ था, कि वो तो साइज में बहुत ही बड़ा था, लेकिन अब क्योंकि वो अकेला था, तो इसीलिए उसने खुद को मार दिया, जिसकी बॉडी से बहुत सारे जायंट्स पैदा हुए, जिनमें एक तो वो जायंट्स थे जो बर्फ में रहते थे, दूसरे वो जायंट्स थे जो एक ही दफा में बहुत सारे लोगों को मार देते थे, तीसरे जायंट्स वो थे जो बच्चों के खून से नहाया करते थे, और एक जायंट्स वो भी होते हैं जो तुम्हें तभी नजर आते हैं जब बाकी जायंट्स तुम्हारे आसपास आने वाले होते हैं, और इनसे भी खतरनाक होते हैं टाइटंस, जिनकी सिर्फ आवाज सुनकर ही इंसान कांप उठे। अब बारबरा की बातें सुनकर सोफिया काफी डर जाती है। बारबरा उसे ये भी बताती है कि इन सब जायंट्स को पकड़ने के लिए मैं एक ट्रैप भी बनाती हूँ, ताकि मेरे ट्रैप में वो जायंट्स फंस जाएं और मैं उन्हें मार सकूं। इसी दौरान बारबरा उसे अपनी पॉकेट में रखे हुए छोटे से हैमर के बारे में बताती है कि वो हैमर जायंट्स की हड्डियों से बना हुआ है, जिसकी मदद से वो सारे जायंट्स को मार डालेगी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस हैमर को तभी निकालना है जब उसकी जरूरत हो। इसी दौरान सोफिया बारबरा की पॉकेट पर वास्की लिखा हुआ भी देखती है, तो इसीलिए वो बारबरा से इस बारे में पूछती है, जिस पर बारबरा उसे बताती है कि असल में वास्की एक बास्केटबॉल प्लेयर था। तभी अचानक से बारबरा अपने आसपास बहुत सी अजीब चीजें नोटिस करती है, तो इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर सोफिया उसे काफी रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन बारबरा उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि बारबरा का मानना था कि जो कोई भी उसके पास आता है तो उसे कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। इसके बाद बारबरा जब जंगल से गुजर रही
होती है तो उसे वहाँ पर जॉइंट्स के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो उस जॉइंट को ट्रैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जॉइंट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बारबरा जब अपने घर वापस आती है तो उसे ऊपर वाले रूम से फिर से किसी चीज की आवाज़ सुनाई देती है, तो इसीलिए वो हिम्मत करके वहाँ पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन साथ साथ उसे वहाँ पर कोई बुला भी रहा था। और तभी हम वहाँ पर एक अजीब सी चीज का शैडो भी देखते हैं, जिसे देखकर बारबरा काफी घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे बारबरा फिर से अपनी टीचर से मिलती है और इस बार वो अपने टीचर से काफी अच्छे से बात करती है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि बारबरा को ऐसा लगता है कि लोग बेवकूफ हैं, इसीलिए तो वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करती। इसके बाद जब बारबरा स्कूल में होती है तो बाय मिस्टेक उसकी वो पॉकेट खुल जाती है, वही पॉकेट जिसमें उसने वो हैमर रखा हुआ था। अभी देखकर बारबरा काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसे तो तभी खोलना था जब उसकी जरूरत हो। अब बारबरा जंगल की तरफ भागने लगती है, तब सोफिया उसे देख लेती है और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। जंगल में जाकर बारबरा जब जॉइंट्स को ढूंढ रही होती है तो सोफिया उसे काफी समझाने की कोशिश करती है कि देखो ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन बारबरा उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद उन्हें हिरन का मरा हुआ बच्चा मिलता है, जिसकी बॉडी की हालत काफी खराब थी, जिसे देखकर बारबरा तो समझ जाती है कि इसे जॉइंट नहीं मारा है, लेकिन सोफिया ये देखकर काफी डर जाती है और वो बारबरा को अकेला ही वहाँ पर छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद बारबरा को एक जॉइंट दिखाई देता है, जो उससे बताता है कि तुम एक बच्ची हो और बहुत कमजोर भी, इसीलिए तुम अकेली जॉइंट्स का सामना कभी भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि जॉइंट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। तब ये सुनकर बारबरा काफी घबरा जाती है। इस नेक्स्ट सीन में हम बारबरा और उसकी टीचर को देखते हैं, और जब उसकी टीचर बेसबॉल गेम का नाम लेती है तो बारबरा काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब उसकी टीचर उससे बात करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन बारबरा वहाँ से जाने लगती है। अब उसकी टीचर उससे बार बार सवाल करने लगती है, जिसकी वजह से बारबरा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी टीचर को स्लैप कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बारबरा अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खोई होती है कि जब सोफिया उससे बात करने की कोशिश करती है तो बारबरा उसे भी पंच मार कर गिरा देती है। अब इस बात की वजह से सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद बारबरा जब अपने घर जाती है तो उसकी सिस्टर उसका अजीब बिहेव देखकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें स्कूल में कोई परेशान करता है तो तुम उसका सामना करो। लेकिन बारबरा उसकी भी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि बारबरा ने सोफी को पंच मारा था, इसीलिए वो बुली करने वाली लड़की सोफिया को बारबरा के खिलाफ भड़काती है और उससे बारबरा का सीक्रेट भी पूछती है। तभी सुनकर सोफिया उसे उसी बीच पर ले जाती है जहाँ पर वो अक्सर बारबरा के साथ आया करती थी। वहाँ पहुँचकर वो बुली करने वाली लड़की उन सारे ट्रैप्स को तोड़ देती है जो बारबरा ने बनाए थे। तभी बारबरा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उस बुली करने वाली लड़की को वहाँ पर देखकर काफी गुस्सा होती है। बारबरा उसे मारने के लिए अपना वो छोटा सा हैमर निकालती है, जिसे देखकर वो लड़की काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा था। लेकिन इससे पहले कि बारबरा कुछ समझ पाती, वो बुली करने वाली लड़की उसे पंच मार कर गिरा देती है। तब उस लड़की की बाकी फ्रेंड्स भी बारबरा पर अटैक कर देती है और उसे इतना मारती है कि बेहोश कर देती है। इसके बाद जब बारबरा की आँख खुलती है तो वो खुद को अपने ऊपर वाले रूम में पाती है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है। वो देखती है कि रूम के बाहर सोफिया खड़ी हुई है और वो उसे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ ऊपर क्यों लेकर आई हो, तुम्हें पता नहीं यहाँ पर जॉइंट्स हैं। ये सुनकर सोफिया डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद बारबरा डरते हुए अपने घर से बाहर आकर अपने टीचर के पास जाती है, जहाँ पर वो अपनी टीचर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी टीचर उसकी बात पर ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ बिजी होती है। तब बारबरा उसे कहती है कि सब मरने वाले हैं। तभी ये सुनकर उसकी टीचर का हस्बैंड काफी गुस्सा हो जाता है। बारबरा की टीचर भी ये सुनकर काफी हैरान रह जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बारबरा उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बारबरा जॉइंट्स को पकड़ने के लिए अकेले ही जंगल में भाग रही होती है और वो एक जगह पर अपने आस पास नुकीली लकड़ियाँ लगाती है। इसके बाद वो जॉइंट्स के आने का वेट करती है। इसके बाद हम देखते हैं सोफिया को जो अपनी टीचर के पास जाती है और उन्हें लेकर वो जाती है बारबरा की सिस्टर के पास, क्योंकि बारबरा दो दिनों से स्कूल नहीं आई थी। अब ये सुनकर बारबरा की सिस्टर काफी हैरान रह जाती है। इसके बाद सोफिया बारबरा के घर के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसे सुनने पर उसे पता चलता है कि क्वास्की ने एक टीम को हराया था और जिस टीम को उसने हराया था उसे जॉइंट्स कहते थे। क्वास्की यानी वही जिसका नाम सोफिया ने बारबरा की पॉकेट पर भी देखा था, और ऐसा होने के बाद ही क्वास्की का नाम जॉइंट्स किलर पड़ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया जब बारबरा से मिलती है तो बारबरा उस पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि सोफिया ने उसे धोखा दिया था और ये जो सब कुछ
कुछ हो रहा था वो सोफिया की वजह से ही हो रहा था, और अब तो बारबरा के पास जायंट्स को रोकने के लिए वो हैमर भी नहीं है। तब बारबरा को एक बार फिर से वही जायंट दिखाई देता है जो उसे पहले भी दिखाई दे चुका था। इस बार वो जायंट्स बारबरा को धमकी देते हैं और उसे जंगल में आने के लिए कहते हैं। इसके बाद बारबरा जब उसे टूटी हुई ट्रेन में पहुंचती है जहां पर जायंट्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने बनाए हुए साइंस को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है और वहां पर जितने भी जायंट्स होते हैं वो सब मारे जाते हैं। इतनी ही देर में सोफिया भी वहां पर आ जाती है और वो ट्रेन को जलता हुआ देखकर काफी घबरा जाती है और इस बारे में वो बारबरा से पूछती है, जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा करके तुम सबकी जान बचा ली है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पूरे शहर का मौसम काफी खराब है और न्यूज में तो तूफान आने के बारे में बताया जाता है। इसी दौरान बारबरा की सिस्टर को उसका लेटर मिलता है जिसमें बारबरा अपनी बहन को सॉरी कहती है, और तभी उसकी सिस्टर के पास बारबरा की टीचर की भी कॉल आती है जो उससे बारबरा के बारे में ही पूछती है। तब उसकी बहन बताती है कि बारबरा तो घर पर है ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं बारबरा को जो बारिश में भी उसी बीच पर होती है। वहां पर उसकी टीचर भी पहुंच जाती है जो उसे घर चलने के लिए कहती है, लेकिन बारबरा उनके साथ चलने के लिए इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे अपना काम खत्म करना है क्योंकि वो आ रहे हैं यानी जायंट्स आ रहे हैं और मेरे पास उन्हें रोकने के लिए हैमर भी नहीं है। अब यहां पर हम देखते हैं कि बारबरा की टीचर बार बार उसे उसकी मदर की याद दिलाती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। यहां पर हम जान पाते हैं कि असल में बारबरा की मदर बीमार है, इसीलिए तो उसकी टीचर उसे इस चीज का सामना करने के लिए कहती है, लेकिन हर बार की तरह बारबरा इस बार भी वहां से भाग जाती है। फिर वो एक बीच के किनारे पहुंचती है जहां पर उसे सोफिया मिल जाती है। उस टाइम बारिश भी काफी तेज हो रही होती है। बारबरा सोफिया को वहां पर बने एक छोटे से घर में छुपा देती है और खुद वो अकेली ही जायंट्स का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और जब एक जायंट बारबरा पर अटैक करता है तो उस टाइम उसे अपनी पॉकेट से एक लाइट निकलती हुई दिखाई देती है, और जब वो उस पॉकेट को खोलती है तो उसमें से एक हैमर निकलता है जो कि असली का था। फिर वो उस जायंट को कहती है कि तुम मेरी मदर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। फिर बारबरा उसी हैमर से उस जायंट पर अटैक कर देती है जिसकी लाइट से वो जायंट इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जायंट बारबरा से बड़े ही प्यार से कहता है कि मैं तुम्हारी मदर को नहीं बल्कि तुम्हें लेने आया हूँ यहाँ पर। अब ये बात सुनकर बारबरा काफी हैरान होती है और उसे कहती है लेकिन मैंने तो तुम्हें हरा दिया। अब यहाँ पर बारबरा को ये बात पता चलती है कि वो चाहकर भी अपनी मदर को नहीं बचा सकती, जिसकी वजह से बारबरा काफी गुस्सा हो जाती है। इसी दौरान वो जायंट बारबरा को अपने हाथ में उठा लेता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन बारबरा अपने हैमर से उस पर फिर से अटैक करती है जिसकी वजह से वो जायंट उसे नहीं खा पाता और वो जायंट वापस भी चला जाता है, जिसकी वजह से शहर का मौसम भी अब काफी बेहतर हो गया था। इसके बाद सोफिया बाहर आकर बारबरा को काफी आवाजें लगाती है, और ठीक उसी टाइम बारबरा तो पानी में डूब रही होती है और उसे उस टाइम जायंट की आवाज भी सुनाई दे रही होती है जो उसे कह रहा होता है कि एक दिन तो सबने मरना है, इसीलिए जब तक तुम्हारे पास टाइम है तुम अपने हर एक मोमेंट को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल हो। ये सुनकर बारबरा की जीने की उम्मीद फिर से जाग जाती है और इसीलिए वो पानी से बाहर निकल आती है। इसके बाद बारबरा हिम्मत करके ऊपर वाले रूम में जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रूम में कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर है जिनकी हालत काफी खराब है, यानी वो काफी बीमार है। वो बारबरा को वहाँ पर देखकर काफी खुश होती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो कभी भी बारबरा से दोबारा नहीं मिल पाएंगी। इसके बाद बारबरा अपने बिहेव पर अपनी मदर से माफी मांगती है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारबरा की मदर मर चुकी थी, जिससे बारबरा काफी दुखी होती है और रोने लगती है। इसके बाद जब वो अपने रूम में होती है तो उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, और जब वो विंडो से बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही जायंट था जो शायद बारबरा को देखने आया था ये चेक करने के लिए कि बारबरा उसकी मदर के मरने के बाद ठीक है भी या फिर नहीं। तब बारबरा इमोशनल होते हुए उसे बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो जायंट वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।